तो नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज आपको कुछ हम बताने वाले हैं कि हरियाणा स्टेट में कितनी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो डिप्लोमा के लिए, और साथ में दोस्तों आपको ये भी बताने वाले हैं कि हरियाणा में जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं तो उनमें एडमिशन सीट कितनी होती है। लाइक जैसे कि आप कंप्यूटर इंजीनियर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एवरी पॉलिटेक्निकल जितने भी पॉलिटेक्निकल हैं तो उसमें कितनी सीट होंगी, इसके अलावा मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक की, जिस भी फील्ड से आप करना चाहते हैं तो उनकी एडमिशन सीट कितनी होती है, एवरीथिंग हम आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वेल दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को प्रेस करें सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। तो गाइस देखिए, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं ये सभी हरियाणा की गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, यानी कि नाम के आगे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर आप बीच में देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल और साथ में डिस्ट्रिक्ट का नाम भी लिखा हुआ है। दोस्तों ये हरियाणा में लगभग 42+ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है। वैसे दोस्तों हरियाणा में 22 जिले आते हैं, तो किसी किसी ज़िले में 2 पॉलिटेक्निकल हैं जहाँ पर वुमेन भी है, और यहाँ पर यानी बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग यहाँ पर पॉलिटेक्निकल बनी हुई है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल। यानी कि अगर मैं बात करूँ एवरी डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि आप हिसाब लगा सकते हो कि एवरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल आपको मिलेगी हरियाणा की। इसके अलावा किसी डिस्ट्रिक्ट में 2 पॉलिटेक्निकल भी मिलेंगे। लगभग जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 22 जिले आते हैं हरियाणा में, तो आप डिवाइड कर लो, अगर 22 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 44 आंसर निकलता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 42 यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है। इसके अलावा हम अब बात कर लेते हैं, तो अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अगर आप पॉलिटेक्निकल करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर सभी नाम दिए गए हैं, जैसे कि अम्बाला सिटी में है, कैथल में है, हिसार में है, और यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है। तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप करना चाहते हो, नीलोखेड़ी से करना चाहते हो जहाँ पर प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी होती है, तो वहाँ से आप कर सकते हो एडमिशन के लिए, अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन अगर आप अदर स्टेट से हो या फिर आप हरियाणा से हो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल हैं उनमें, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सिविल इंजीनियर की, कंप्यूटर इंजीनियर की एडमिशन सीट कितनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पॉलिटेक्निकल आ रहा है महेंद्रगढ़ का, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल BKN। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर की जो एडमिशन सीट हैं वो 60 हैं, और कंप्यूटर की जो है वो 60 हैं, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन 60 हैं। लगभग यहाँ पर आपको 60-60 देखने को मिलेगी। जो मैकेनिकल की होती हैं, एवरी पॉलिटेक्निकल में मैकेनिकल की ज़्यादा है, ठीक है। एवरी अगर मैं एक नंबर की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 60-60 आपको एडमिशन सीट आपको मिलेंगी, तो मैकेनिकल की आपको थोड़ी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी पॉलिटेक्निकल ऐसी हैं गवर्नमेंट हरियाणा में जिसमें आपको एक अलग फील्ड मिलेगी, या फिर आप ट्रेड जिसे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर फैशन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ये भिवानी में है जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल है, और जो कि चौधरी बंसी लाल के नाम से है। इसके अलावा दोस्तों ये आप इसके बड़े आराम से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, अगर मैं आपको वीडियो में बताऊँगा तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। एवरेज जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं पर मैकेनिकल की 60 सीट भी हो सकती हैं एडमिशन सीट, और कहीं पर फूड टेक्नोलॉजी जैसे आ गया, यानी कि आप इसके इस वीडियो के वाइज आप चेक कर सकते हैं कि किस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में कितनी सीट्स हैं। तो टोटल यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ सिरसा के एक पॉलिटेक्निकल है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिविल इंजीनियर की 60 सीट हैं एडमिशन सीट, और कंप्यूटर इंजीनियर की यहाँ पर 60 सीट हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उसकी 120 सीट है, काफ़ी कम भी होती है, कहीं पर ज़्यादा भी होती हैं, और डिपेंड करता है कॉलेज के हिसाब से। उसके बाद मैकेनिकल की 60 है, तो टोटल यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है 360 सीट है। इसके अलावा मैं आपको वीडियो के नीचे दिखा रहा हूँ, जैसे आप देख रहे हैं तो सर्कल यहाँ पर मैं नीचे कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो जिस भी यानी कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको देखना है, तो जो जैसे कि अम्बाला का आपको देखना है तो आप यहाँ पर इस वीडियो को रोक कर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अम्बाला में देख सकते हैं कि 60 आर्किटेक्चर की है, ऑटोमोबाइल की है, और सिविल इंजीनियरिंग कितनी है, और यहाँ पर टोटल जो है अम्बाला में वो 600 एडमिशन सीट हैं, यानी काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसके अलावा और भी पॉलिटेक्निकल है हरियाणा में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर अभी 19, 20, 21 और 22, 23 अभी पॉलिटेक्निकल चली हुई हैं, यानी टोटल 41, 42 पॉलिटेक्निकल हैं, और यहाँ पर मैं बड़े आराम से आप इस वीडियो को रोक कर भी आप चेक कर सकते हैं। मैं काफ़ी आराम से इसको नीचे क्लिक कर रहा हूँ ताकि आप
को कोई दिक्कत ना पड़े। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये पॉलिटेक्निकल थी आपकी जो मैंने आपको इसमें बताया। इसके अलावा दोस्तों, ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये प्राइवेट पॉलिटेक्निकल हैं। अगर आपका नंबर नहीं पड़ता, आपको एडमिशन नहीं मिलता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये भी एक पॉलिटेक्निकल है, लेकिन ये प्राइवेट पॉलिटेक्निकल है, लेकिन ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं द लिस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एडेड पॉलिटेक्निकल विद इनटेक फॉर द सेशन। तो इसके हिसाब से आप इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, पर इसमें आपका जो एडमिशन फीस होगा वो आपका ज़्यादा होगा कंपेयर करें अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल के हिसाब से। तो इसकी भी आप लिस्ट देख सकते हैं, मैं इसको सर्कल से नीचे थोड़ा डाउन कर लेता हूँ, तो आप इसे वीडियो को रोक कर या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो में, जिससे कि आपको देखने में काफ़ी आसान रहेगा, या फिर आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे पॉलिटेक्निकल हैं जो कि प्राइवेट पॉलिटेक्निकल हैं और गवर्नमेंट एडेड हैं, तो इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो अगर आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में नंबर नहीं पड़ता। ये भी काफ़ी सारे पॉलिटेक्निकल हैं हरियाणा में, तो अभी ये मेरे ख्याल से गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल से काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी 46 नंबर आ चुका है, इसके अलावा 56, इसके अलावा अगर हम नीचे की तरफ जाएँ मेरे ख्याल से ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं, शायद 100 से ऊपर ना हो, तो यहाँ पर 90 और 100 यानी 100 से भी ऊपर चली गई। तो काफ़ी, कहने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा हैं, और कोशिश करेंगे कि आपका जो एडमिशन है वो आपका गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में पड़ जाए तो काफ़ी बेटर होगा, क्योंकि दोस्तों प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी होती है आप सभी की अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल में डिप्लोमा पास आउट कर जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद, वीडियो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें आपको तो नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।